उम्मीद है सब लोग खारिज होंगे। अच्छा जी, बात कर लेते हैं कि जी ट्रांसफ़र में आपने ट्रांसफ़र करवा लिया तो अब सैलरी का क्या होगा? क्या हमारी सैलरी स्टॉप हो जाएगी या जैसे पहले आ रही थी वैसे ही चलती रहेगी? अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको एक मशवरा देता हूँ कि अगर आपने इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र करवाया है या आपने हाई स्कूल से ट्रांसफ़र करवाया है तो आपकी डिग्री ऑफ पावर जो है वो चेंज हो चुकी है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप अपने तमाम जो आपकी सर्विस हिस्ट्री है और जो आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपीज़ करवा कर 6 फाइल जो है वो आप कंप्लीट करके रख लें, क्योंकि आपको बहुत सारे ऑफिसेज में और बहुत सारे जगहों पर इन फाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप फाइल्स बना के रख लेंगे तो आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस फाइल्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आने हैं तो उसमें आपने अपने एकेडमिक जो रिकॉर्ड है आपका वो तमाम के डॉक्यूमेंट्स की आपने कॉपीज़ ले लेनी है। अगर आपने पहले ट्रांसफ़र करवाया हुआ है तो उनके भी कॉपीज़ आपने करवा लेनी है, फर्स्ट जॉइनिंग रिपोर्ट, उसके बाद आपके जो ऑर्डर्स हैं, उसके बाद आपने अगर पहले ट्रांसफ़र करवाया उसकी जॉइनिंग और जो अब नेक्स्ट आप रिलीविंग बनाएंगे वो भी साथ में आ जाएगी। तो आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स की 6 फाइलें बना के रख लेनी है। जहाँ पे आप पहले आप स्कूल में मौजूद थे वहाँ से आपने अपनी रिलीविंग रिपोर्ट साइन करवानी है। आपने 3 बना लें या 6 बना लें, रिलीविंग रिपोर्ट आप फिल करें, उसका सैंपल जो है वो साथ वीडियो में यहाँ पे मैंने दिखा दिया है। ये सैंपल आपने जो है वो फिल कर लेना है, जिस डेट को आपने रिलीविंग ली है उस डेट को जो है वहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने हेड के साइन लेने, और हेड के साइन लेने के बाद आपने असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर के साइन ले लेने। उसके बाद आपने चले जाने हैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है उनके पास। आपको पूरे माह की सैलरी जो है वो इसी डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के अकाउंट से जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। डेट को आपने रिलीविंग ली है उस डेट से पहले दिन तक आपकी सैलरी जो है वो आपको मिल जाएगी, और बकिया जो सैलरी है, बकिया जो दिन बनेंगे मंथ तक, वो सैलरी आप दोबारा जमा करवाएंगे। क्लरिकल स्टाफ आपको चलान फॉर्म फिल करके देगा, जितनी भी बकिया दिन की सैलरी बनेगी पर डे के हिसाब से वो आपको चलान फॉर्म फिल कर देंगे। आपने बैंक में जाना है और वहाँ पे वो सैलरी जमा करवा देनी है। उसके बाद आप उस चलान फॉर्म की कॉपी लेकर आएंगे और जैसे ही आप ऑफिस में देंगे तो वो आपको सर्विस बुक के ऊपर जो है वो एंट्री डाल देंगे ट्रांसफ़र की, और उसके बाद आपको रिलीविंग सर्टिफिकेट जो है वो उनके ऊपर डिप्टी के साइन जो है वो आपको कर दिए जाएं। LPC लास्ट पे सर्टिफिकेट, जिस रेट से आपको सैलरी मिल रही थी उसका एक आपको सर्टिफिकेट जो है वो बना दिया जाएगा, जिसका 7 सैंपल जो है वो मैंने यहाँ पे दिखा दिए, आप इसको देख सकते हैं। अब सर्विस बुक पे एंट्री हो गई, उसके बाद आपने सैलरी भी जमा करवा दी बकिया, और उसके साथ आपने रिलीविंग जो सर्टिफिकेट थे उनके ऊपर साइन भी ले लिया। अब ये आप लेकर आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा एक सर्टिफिकेट बनाकर आगे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास। वो आपकी जो रिलीविंग सर्टिफिकेट है उसके ऊपर काउंटर साइन करके देंगे। जैसे ही आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास तो उसके ऑफिस में जो क्लरिकल स्टाफ है वो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की तरफ से जो लेटर फॉरवर्ड किया जाएगा आपको रिलीविंग के ऊपर काउंटर साइन करने के लिए, उसका सर्टिफिकेट मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, और LPC के लिए जो काउंटर साइन के लिए है वो भी मैं यहाँ पे जो है वो मेंशन कर रहा हूँ। तो जैसे ही आपका डाटा जो है वो जाएगा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास तो वो सबसे पहले जो आपकी रिलीविंग है उनके ऊपर साइन करेंगे, और उसके बाद जो आपकी एंट्री हुई होगी उसके ऊपर, आपके सर्विस बुक के ऊपर, उसके ऊपर काउंटर साइन करेंगे और LPC के ऊपर काउंटर साइन करेंगे। अब ये आपके 3 डॉक्यूमेंट बन चुके हैं, एक आपकी LPC लास्ट पे सर्टिफिकेट, और दूसरे नंबर पे आपकी सर्विस बुक के ऊपर डिप्टी के साइन हो चुके, DO के साइन हो चुके, और थर्ड नंबर पे जो था वो था आपका जो है वो रिलीविंग सर्टिफिकेट, उसके ऊपर भी डिप्टी और DO के साइन जो है वो हो चुके। अब आपका जो है वो डिपार्टमेंटल जो काम है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। सर्विस बुक भी आपके डिपार्टमेंट ने कंप्लीट कर दी, उसके ऊपर एंट्रियाँ डाल दी, और दोनों के डिप्टी के और DO के साइन भी हो चुके।
उसके बाद एलपीसी के ऊपर डिप्टी और डीओ के साइन हो चुके हैं, सर्विस बुक का भी एंट्रियाँ होगी। अब जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम जो है वो यहीं तक का था, वो कंप्लीट हो गया। अब आपने जाना है अकाउंट ऑफिस में। अकाउंट ऑफिस क्या करेगा, आपका डाटा जो है करंट डिस्ट्रिक्ट में जो डाटा था आपका, जहाँ से आपको सैलरी जो है वो मिल रही थी डीडीओ कोर्ट से, वो डाटा आपका आपके मौजूदा डिस्ट्रिक्ट से जो आपका डिस्ट्रिक्ट बनेगा जहाँ पे आपने ट्रांसफ़र करवाया वहाँ पे जो आपका डाटा है वो ट्रांसफ़र कर देगा। आप अपनी एलपीसी लास्ट पे सर्टिफिकेट, उसके साथ आपकी जो रिलीविंग रिपोर्ट है वो, और सर्विस बुक, ये तीन डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाएंगे अकाउंट ऑफिस में। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर उसके ऊपर साइन करके एंट्री डाल देगा। आपकी सर्विस बुक के ऊपर अकाउंट ऑफिस का की स्टैंप लग जाएगी, एंट्री डाल देंगे और आपकी जो रिलीविंग सर्टिफिकेट है वो वहाँ पे रख लेगा। आपको सर्विस बुक और आपको दूसरा जो आपकी है एलपीसी वो आपको लौटा दी जाएगी। अब आप एलपीसी और आपकी जो सर्विस बुक है और रिलीविंग सर्टिफिकेट है वो आप अपने पास लेकर आ जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ, मैंने स्टार्ट में कहा था कि आपने 6 फाइल्स बनानी है। जैसे ही आप डिप्टी ऑफिस के पास जाएंगे तो एक फ़ाइल वो आपकी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ वो वहाँ पे रख लेंगे। डीओ ऑफिस भी इसी तरह आपकी एक फ़ाइल कंप्लीट रख लेगा और आपकी जो एलपीसी है उसकी कापी और आपकी जो रिलीविंग है उसकी कापी जो है वो वहाँ पे आपके अकाउंट ऑफिस में रख ली जाएंगी। ये तो आपका तमाम प्रोसेस था आपके करंट डिस्ट्रिक्ट का, आपने रिलीविंग कैसे लेनी है और किस तरह आपने ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो कम्प्लीट करवाने हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपके करंट डिस्ट्रिक्ट के हैं, जैसे ही ये आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएंगे तो बाकी जो आपका प्रोसेस है, आपका बाकी का प्रोसेस जो है वो आपके नए डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ आपकी सैलरी जैसे ही आपका डाटा जो है वो अकाउंट ऑफिस से ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऑनलाइन ट्रांसफ़र होगा नए डिस्ट्रिक्ट में, तो आपकी उस डेट से जो सैलरी है वो स्टॉप हो जाएगी। अब आपकी सैलरी नहीं आएगी जब तक आप नए जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आप अपनी ज्वाइनिंग मैनुअली देकर अपनी सैलरी स्टार्ट नहीं करवाते तब तक आपकी सैलरी जो है वो स्टॉप रहेगी। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में आपने कौन कौन सा प्रोसेस करना है उसके लिए देखते रहिए मेरा चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।